चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानते हुए उससे पार्टी का चुनाव निशान धनुष बाण आवंटित कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग के खिलाफ ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें, भारतीय राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब किसी पार्टी में इस तरह का विवाद सामने आया है। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 1969 में कांग्रेस सिंडिकेट के खिलाफ विद्रोह करके पार्टी तोड़ दी और कांग्रेस आर के नाम से नई पार्टी बनाई। लेकिन चुनाव आयोग से उनके गुट को असली कांग्रेस नहीं माना गया और ना ही बैलों की जोड़ी का चुनाव निशान ही दिया गया। इसके बाद इंदिरा ने गाय और बछड़ा को अपनी पार्टी का निशान बनाया, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई और उसका चुनाव निशान हाथ रखा। तेलुगु देशम पार्टी में भी चुनाव निशान को लेकर तकरार देखने को मिली। 1995 में जब एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी में बगावत कर दी, नायडू की बगावत के बाद लक्ष्मी ने अलग पार्टी बना ली, लेकिन जीत चंद्रबाबू नायडू की हुई, उन्हें पार्टी और चुनाव निशान दोनों मिला, वे मुख्यमंत्री भी बने। AIADMK 1986 में एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद भी AIADMK में चुनाव निशान को लेकर विवाद हुआ था। जयललिता और रामचंद्रन की विधवा जानकी रामचंद्रन दोनों ने पार्टी पर अपना दावा ठोका। जानकी 24 दिनों तक राज्य की मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन पार्टी के ज्यादातर सांसदों और विधायकों का समर्थन जयललिता के साथ था, जिसके बाद उन्हें पार्टी का आधिकारिक चुनाव निशान आवंटित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी में भी जनवरी 2017 में चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने खुद को अपने बेटे अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गुट की तरफ से अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पार्टी के सिंबल पर अपना दावा ठोका था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के गुट वाली पार्टी को ही असली सपा माना और उससे साइकिल चुनाव निशान आवंटित किया। लोक जनशक्ति पार्टी में भी चुनाव निशान की लड़ाई जारी है। चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2021 में पार्टी के बंगला चुनाव निशान को फ्रीज कर दिया था। पार्टी जून 2021 में विभाजित हो गई थी। पार्टी पर दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस अपना दावा ठोक रहे हैं।